हेलो नमस्कार दोस्तों, खबरी बॉस के ब्रेकिंग न्यूज की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। खबर है दोस्तों, वीडियो कॉल के दौरान अब एक दूसरे को टच भी कर सकेंगे यूजर्स। जी हां दोस्तों, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में अब वो भी संभव हो सकेगा, जिसके बारे में हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। अगर आपको कहा जाए कि वीडियो कॉल के दौरान आप सामने वाले यूजर को टच भी कर सकेंगे तो ये अपने आप में एक आश्चर्य होगा। अब ये भी संभव हो सकता है। दरअसल अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ने इस तकनीक को विकसित किया है। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने इस वर्चुअल रियलिटी से लैस डिवाइस को डिजाइन किया है। इस डिवाइस के माध्यम से कहीं दूर बैठे व्यक्ति को भी छूने का एहसास किया जा सकता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है सभी की निगाहें, अब देखना होगा भाजपा की अगली चाल। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने रात में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया। साथ ही विधायकों की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए तुरंत शक्ति परीक्षण कराने का भी अनुरोध किया है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ आज सुनवाई करेगी। शीर्ष न्यायालय में इस मामले पर सुबह 11:30 बजे सुनवाई होगी। तीनों पार्टियों ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए उन्हें आमंत्रित करने का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को निर्देश देने की मांग की। यह भी कहा गया है कि उनके पास 144 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ दोहरा शतक जमा वॉटलिंग ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले कीवी विकेट कीपर। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में विकेट कीपर बल्लेबाज विजय वॉटलिंग ने शानदार दोहरा शतक बनाया है। टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से दोहरा शतक लगाने वाले वॉटलिंग पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बने हैं। इस शानदार पारी के दम पर मेजबान टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में 9 विकेट पर 615 रन बनाकर घोषित की। खबर दोस्तों, शिवसेना ने सामना में की बीजेपी और अजीत पवार की आलोचना, कहा महाराष्ट्र इसका बदला लेगा। लगभग एक महीने से जारी महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे में शनिवार तड़के इतना तेजी से घटनाक्रम बदला कि राज्य के राजनीति में भूचाल आ गया। शुक्रवार को शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच सरकार बनाने को लेकर लगभग सहमति बन गई थी। तभी शनिवार की सुबह देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसे लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में भाजपा और अजीत पवार की काफी आलोचना की है। सामना में अजीत पवार पर तंज कसते हुए लिखा गया है कि 12 घंटे में बगावत के बजे 121 भाजपा की आलोचना करते हुए लिखा गया है कि सत्ता की लालसा रखने वाली भाजपा की वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार यानी 23 अगस्त का दिन काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। ये फर्जिकल स्ट्राइक है। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, आधार ने लॉन्च किया नया मोबाइल ऐप, पुराना अनइंस्टॉल करिए वाला करें डाउनलोड। जी हाँ दोस्तों, आधार से जुड़ी जानकारी डाउनलोड करने के लिए UIDAI ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड किया जा सकता है। नए ऐप में कार्डधारक का आधार नंबर, नाम, एड्रेस, जन्मतिथि, जेंडर और फोटोग्राफ संबंधित डेटा होते हैं। UIDAI ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। साथ ही ट्वीट में पुराने ऐप को अनइंस्टॉल कर नए ऐप को डाउनलोड करने को कहा गया है।